चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है रीजनरेशन। रीजनरेशन ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा आपका, नहीं इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि भाई रीजनरेशन, रीहीटिंग और विंटर कूलिंग में उनकी परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट करते हैं ब्रिटेन सिस्टम में। ठीक है, रीजनरेशन का क्या इफेक्ट होता है, रीकूलिंग का क्या इफेक्ट होता है, इंटरकूलिंग का क्या इफेक्ट होता है और रीहीटिंग का क्या इफेक्ट होता है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अपन रीजनरेशन करते हैं। तो रीजनरेशन में बेसिकली रीजनरेशन है क्या। ठीक है, सबसे पहले अपन जो ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन साइकिल के थ्रू ही समझते हैं कि रीजनरेशन क्या है। बेटर है कि ब्रेटन साइकिल में बना लूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कंप्रेसर बना रहा हूँ। कंप्रेसर, That is the your compressor. Compressor के बाद जो एयर जाती है वो जाएगी कहाँ पे जाएगी, कंबस्टन चैम्बर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कंबस्टन चैम्बर, और कंबस्टन चैम्बर के बाद एयर जाती है कहाँ, आपके टरबाइन में, ये टरबाइन, और उसके बाद एयर जाएगी कंडेंसर में। ठीक है, उसके बाद एयर कहाँ जाएगी, कंडेंसर में। तो अब मैं इसमें रीजनरेशन को आपको समझाता हूँ। ठीक है, रीजनरेशन क्या है। देखिए, कंबस्टन चैम्बर कंप्रेसर के एग्जिट के बाद अगर आप डायरेक्टली एयर को कंबस्टन चैम्बर में सप्लाई करते हो, ठीक है, तो दैट इज द बेसिक ब्रेटन साइकिल। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कंप्रेसर का जो एग्जिट टेम्परेचर है वो 800 केल्विन है। ठीक है, और कंबस्टन चैम्बर का जो एग्जिट टेम्परेचर है वो 1500 केल्विन। ठीक है, 1500 केल्विन कंबस्टन चैम्बर का एग्जिट टेम्परेचर है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितनी हीट सप्लाई हुई, तो आप इजीली कर सकते हैं कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली हो सकता है, हाउ मच हीट यू सप्लाई, आप बिल्कुल इसको इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो कितनी हीट सप्लाई हुई। कैसे करोगे कैलकुलेशन, क्यू सप्लाई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मीन्स 1500 माइनस 800, दिस इज द इन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। ठीक है, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट सप्लाई हो रही है। अब मान लीजिए कि एनी हाउ इस कंप्रेसर से जो एग्जिट हुई एयर 800 केल्विन थी, लेकिन इन बिटवीन आपने कहीं कुछ हीट एक्सचेंजर या कहीं से हीट एक्सचेंज करा के इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन कर दिया, और फिर 1000 केल्विन की जो एयर है वो कंबस्टन चैम्बर में गई। ठीक है, तो अब हीट सप्लाई कितनी हुई सेम वर्क डन के लिए। ठीक है ना, अब हीट सप्लाई कितनी हुई एम सी 1500 माइनस 1000। तो सेम वर्क डन के लिए आप देखिए कि ये वाली क्वांटिटी कम है और ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, तो विच वन इज द बेटर क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सेम वर्क डन मिल रहा है और एक साइकिल में जो आपको हीट सप्लाई है वो कम करनी पड़ रही है और दूसरी साइकिल में हीट सप्लाई आपको ज्यादा करनी पड़ रही है, तो कौन सा बेटर है। हीट सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा तो ज्यादा फ्यूल लगेगा, ठीक है, सेम वर्क डन के लिए, तो कौन सी साइकिल बेटर हुई जिसमें आपको हीट सप्लाई कम करनी पड़ रही। आप एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू सप्लाई। तो क्यू सप्लाई आप जितना घटाओगे सेम वर्क डन के लिए, आपकी एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेसर के एग्जिट
का टेम्परेचर अगर हम कुछ हीट एक्सचेंज करा के अगर इंक्रीज कर लेते हैं एनी हाउ, तो दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, अब वो कहाँ से हीट एक्सचेंज कराएंगे हम उसको, उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बात इतनी सी ये है कि अगर कंबस्टन चैम्बर से पहले, ठीक है, कंबस्टन चैम्बर से पहले कंप्रेसर के एग्जिट का टेम्परेचर अगर हम कुछ बढ़ा लेते हैं तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड दैट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन। इसे ही हम कहेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन में बेसिकली कंप्रेसर की एयर के एग्जिट का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, जिससे हमें जो कंबस्टन चैम्बर पे जो हीट सप्लाई है वो कम करनी पड़ती है, हमारा फ्यूल सेफ होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन। ठीक है, और ये हीट एक्सचेंज कराएंगे कहाँ से, ये हीट एक्सचेंज कहाँ से कराएंगे, ये हीट एक्सचेंज कराएंगे जो टरबाइन का एग्जिट होता है ना बेटा, जो टरबाइन का एग्जिट होगा उससे जो एग्जास्ट गैस निकलती है उसका टेम्परेचर बहुत होता है, ठीक है ना, तो उस टेम्परेचर, उस एग्जास्ट गैस को यूटिलाइज करेंगे कंप्रेसर के एग्जिट को हीट सप्लाई करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि क्या है बेसिकली। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ उसके बाद जो एयर निकली, ठीक है ना, उसको हम सप्लाई करेंगे कंप्रेसर के एग्जिट एयर में और उसमें हीट एक्सचेंज करेंगे। जो यहाँ से सप्लाई हुई और मान लीजिए यहाँ से एयर आपकी टरबाइन से एग्जास्ट एयर निकली, बाहर निकली, ठीक है ना, उसको हम ले जाएंगे और यहां पर मतलब कंबस्टन चैम्बर से पहले एक हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, ठीक है, और इस हीट एक्सचेंजर में हीट का एक्सचेंज होगा। हीट का एक्सचेंज कहां से कहां होगा, टरबाइन की जो एग्जॉस्ट गैस है वहां से हीट सप्लाई होगी आपकी कंप्रेसर के जो आउटलेट वाली गैस एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हीट एक्सचेंज होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर के एग्जिट एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कंप्रेसर के एग्जिट एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक है, दैट विल रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन एज वेल एज हीट सप्लाई इन द कंबस्टन चैम्बर एंड हेंस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के डेफिनेशन में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग नोट कर लीजिए कि रीजनरेशन होता क्या है। रीजनरेशन रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन इन ब्रेटन साइकिल इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम टर्बाइन एग्जिट टू कंप्रेसर एग्जिट। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा दैट विल इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ एयर at the inlet of combustion chamber. That will help
to reduce heat supply for same net work output. ठीक है, तो बेसिकली रीजनरेशन ये है आपका. ठीक है, इसे ही कहते हैं अपन रीजनरेशन. ठीक, नेक्स्ट में हम रीजनरेशन में समझेंगे कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस इन द रीजनरेशन. तो यहां तक आई होप समझ में आ गया हो कि रीजनरेशन क्या है. रीजनरेशन में बेसिकली हम हीट एक्सचेंज करा देते हैं कंप्रेसर के एग्जिट और टर्बाइन के एग्जिट के बीच में. टर्बाइन की एग्जिट से हीट सप्लाई होती है कंप्रेसर के एग्जिट में, जिससे क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. उसका टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कंबशन चैम्बर में हमें कम हीट सप्लाई करनी होगी फॉर सेम टेम्परेचर इंक्रीज एंड सेम नेट वर्क आउटपुट. ठीक है, दैट विल सेव आवर फ्यूल, दैट विल इंक्रीज अवर एफिशिएंसी. ठीक है, तो रीजनरेशन इसलिए आपका इफेक्टिव है. इसमें बेसिकली हम टर्बाइन की जो हॉट गैसेस निकलती हैं उसकी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन. ठीक है, आगे हम इसका समझते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेशन. इफेक्टिवनेस क्या होती है रीजनरेशन की. ठीक, तो आगे हम इसको समझते हैं व्हाट इज द इफेक्टिवनेस. तो एक बार मैं फिर से इसका थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है, तो एज यू नो कि ये आपका बेसिकली ये आपका कंप्रेसर है. कंप्रेसर के बाद एयर कंबस्टन चैम्बर में जाएगी. कंबस्टन चैम्बर के बाद एयर टर्बाइन में जाएगी. टर्बाइन की शाफ्ट इससे कनेक्ट रहती है. ये जो टर्बाइन का एग्जिट है हम बेसिकली उसको लेके आते हैं और यहाँ पर हीट एक्सचेंज कराते हैं. यहाँ पर हम एक हीट एक्सचेंजर लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम एक हीट एक्सचेंजर लगाएंगे और एग्जॉस्ट गैस से यहां पर आपका हीट जो है सप्लाई होगा. दिस इज द पॉइंट वेयर हीट सप्लाई. ठीक है, यहां पर हीट का मतलब एक्सचेंज होगा, मतलब एग्जॉस्ट गैस से कंप्रेसर की एग्जॉस्ट गैस, एग्जॉस्ट जो टर्बाइन से है एयर गई, वहां से हीट आपके टर्बाइन की एग्जिट पे जाएगी. ठीक है, That will increase the temperature. और उसके बाद फिर आपका एयर जो है environment में या तो आप रिलीज कर दीजिए, जो आपकी टर्बाइन की एग्जिट की एयर आप हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको या तो आप environment में रिलीज कर दीजिए या तो आपका क्लोज साइकिल है तो फिर आप कंडेंसर वगैरह लगाइए. इसके बाद आपका कंडेंसर या फिर डायरेक्टली आपका environment में हम रिलीज कर देते हैं इस एयर को. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका हीट सप्लाई होगा. ये आपका हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, हीट एक्सचेंजर. ये कंप्रेसर है, ये टर्बाइन है बेसिकली. ठीक है, यहां पर एयर का इनलेट है, लेट्स से दिस इज वन पॉइंट. यहां पर कंप्रेसर का एग्जिट है टू पॉइंट. आफ्टर हीट सप्लाई कुछ इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो लेट्स से यहां पर जो पॉइंट है वो है ए. मैं इसको दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, टू से कुछ ज्यादा टेम्परेचर होगा पॉइंट ए का. उसके बाद कंबस्टन चैम्बर में हीट सप्लाई होगी जो लेट से एग्जिट होता है एट पॉइंट थ्री. इसके बाद टर्बाइन लगा हुआ है, टर्बाइन में एक्सपेंशन होगा एट पॉइंट फोर. और फोर के बाद जब हीट एक्सचेंज होगा तो इसका एग्जॉस्ट एयर जो है आपकी जो एग्जिट एयर है टर्बाइन की उसका टेम्परेचर कुछ घटेगा, लेट से दिस टेम्परेचर डिक्रीजेस बी. ठीक, तो अब इसको हम अगर टीएस
प्लेन पे ड्रॉ करें रीजनरेशन को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि भाई टी एस प्लेन में अगर इसको ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं। चलिए टी एस प्लेन बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कैसे इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर टी एस प्लेन। This is basically T, this is S, okay। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1 से 2 आपका क्या हुआ, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 टू 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 टू 2 इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। One to two is the isentropic compression. One to two. Okay. अब क्या हुआ, टू से पॉइंट ए तक, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट टू टू ए, यहां पे हीट एक्सचेंज हुई है और जो कंबस्शन जो आपका कंप्रेसर का जो एग्जिट है, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या हुआ है, वहां पे हीट सप्लाई हुई है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 2 से A तक टेम्परेचर बढ़ रहा है 2 से A, बट यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर भी कंबशन चेंबर में एयर नहीं पहुंची है, यहां पर हीट एक्सचेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 2 से A तक हीट सप्लाई नहीं हुई है, सिर्फ हीट का एक्सचेंज हुआ है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद A से 0.3 तक कंबशन चेंबर है, तो इसका मतलब हीट का जो सप्लाई हुआ वो ए से 3 तक हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपका ए से 3 तक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट 3 हीट सप्लाई, ठीक है, 2 टू ए हीट टेम्परेचर इज इंक्रीज ड्यू टू द हीट एक्सचेंज। ठीक है, अब फ्रॉम पॉइंट 3 टू 4 फ्रॉम पॉइंट 3 टू 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टर्बाइन। ओके, फ्रॉम पॉइंट 4 टू बी देयर इज अ हीट एक्सचेंजर, 4 से बी तक में हीट एक्सचेंजर कर रहा है, जो हीट लूज कर रहा है, ठीक है ना। तो 4 टू बी यहां पर एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जो कि हीट को लूज करेगा, और फिर उसके बाद आप कंडेंसर वगैरह लगा सकते हो बी से 1 तक जाने के लिए बेसिकली। तो यहां पर बी टू 1 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, हीट रिजेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हीट रिजेक्शन जो आपका हुआ है वो हुआ है बी टू 1, और हीट सप्लाई जो हुई है आपकी वो हुई है ए टू 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 2 टू ए और 4 टू बी आपका क्या हुआ है, हीट एक्सचेंज हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ रीजनरेशन, दिस इज द रीजनरेशन। ठीक है, अब एक टर्म आता है बहुत फेमस होता है रीजनरेशन में, कि पूछ भी लेता है गेट में, काफी बार पूछा भी है, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेशन इसका मतलब क्या है। देखिए, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो कंप्रेसर का एग्जिट है वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर गेन कर ले, ठीक है ना। गेन कहां से करने वाला है, गेन कहां से करने वाला है, ये जो टर्बाइन का एग्जिट है वहां से तो गेन करने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर गेन कर ले। तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गेन कर सकता है, जितना टर्बाइन का एग्जिट का टेम्परेचर है उतना ही तो गेन कर सकता है मैक्सिमम ना, इससे ज्यादा थोड़ी कर सकता है, क्योंकि हीट को एक्सचेंज तो यहीं से करना है उसको, ठीक है, तो इससे ज्यादा तो गेन कर नहीं सकता है। बात समझ में आ रही होगी भाई, आपका जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो टर्बाइन और कंप्रेसर के बीच में हो रहा है, तो टर्बाइन का टेम्परेचर ज्यादा है एट पॉइंट 4 पर, तो 4 से ज्यादा तो हीट टेम्परेचर 2 का हो नहीं सकता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना हो सकता है कि 4 हो सकता है, यानी कि हीट एक्सचेंज करे और कंप्रेसर का जो एग्जिट का टेम्परेचर हो जाए वो कितना हो जाए, 4 हो जाए इन आइडल केस,
ठीक है ना, यानी कि ए पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो फोर पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाए इन आइडल केस, ठीक है। सिमिलरली एग्जिट ऑफ द टर्बाइन इतना हीट एक्सचेंज करे, इतना हम इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर लें कि जो बी पॉइंट का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ टी टू के बराबर हो जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल केस क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल केस में यही हीट एक्सचेंज जो अगर मैक्सिमम पॉसिबल होगी तो यही हो सकता है कि टेम्परेचर एट पॉइंट ए टी ए इज इक्वल टू टी फोर, ठीक है। और राइज इन द टेम्परेचर कितना, राइज मैक्सिमम राइज कितना हो सकता है टी फोर माइनस टी टू, और टर्बाइन का टेम्परेचर कितना हो जाए, टर्बाइन के एग्जिट का टेम्परेचर टी बी इज इक्वल टू टी टू। दिस इज द मैक्सिमम, अगर ऐसा होता है ठीक है ना, यानी कि ए पॉइंट का टेम्परेचर मीन्स इनलेट ऑफ द कम्बशन चैम्बर, यही है ना ए पॉइंट का टेम्परेचर अगर एग्जिट टेम्परेचर ऑफ टर्बाइन के बराबर हो जाता है तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आइडल रिजनरेशन सिस्टम। ये मैक्सिमम पॉसिबल केस है बेटा, आइडल रिजनरेशन सिस्टम ये मैक्सिमम पॉसिबल केस है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हमेशा आप देखोगे कि टी ए जो होगा वो कम होगा टी फोर से, यानी कि एक्चुअल जो राइज हुआ, एक्चुअल राइज कितना हुआ टी ए माइनस टी टू, और इट ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल राइज टी फोर माइनस टी टू। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना राइज हो सकता है टी फोर माइनस टी टू आइडल केस में, वैसे सिस्टम को बोलेंगे आइडल रिजनरेशन सिस्टम। लेकिन एक्चुअली उतना राइज नहीं होता, ठीक है ना, एक्चुअली टेम्परेचर जो हीट एक्सचेंज होता है देयर इज सम लॉसेस, ठीक है ना, कुछ लॉसेस होने की वजह से जो आपका एक्चुअल राइज है वो उतना नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम के जितना पास होगा हम कहेंगे कि वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो उतनी ही ज़्यादा है, मतलब कि इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस के जितना जितना पास में होगा, जितना नियर अबाउट होगा उतना ही हम बोलेंगे कि दैट इज उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। इन्हीं के रेशियो को, मतलब कि एक्चुअल टेम्परेचर राइज इन द हीट एक्सचेंजर एंड मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज इन द हीट एक्सचेंजर इन साइड द हीट एक्सचेंजर, इन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफेक्टिवनेस इज बेसिकली रेशियो ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर राइज अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज यही होता है आपका इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे क्या, इफेक्टिवनेस। अब यहां पर फॉर्मूले के टर्म में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, एक्चुअल टेम्परेचर राइज इज फ्रॉम टू टू ए T2 माइनस TA, और मैक्सिमम पॉसिबल राइज कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल कि 2 का टेम्परेचर 4 के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, ठीक है, दैट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल, सॉरी TA माइनस T2 T4 माइनस T2, दिस इज बेसिकली अ इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इसे ही हम कहेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर कहते किसे, ठीक है, इस चीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए कंप्रेसर का जो एग्जिट हुआ और जो टर्बाइन का एग्जिट हुआ उसके बीच का हमें हीट एक्सचेंज कराना है। टर्बाइन का एग्जिट हुआ 4 पे और कंप्रेसर का एग्जिट हुआ 2 पे। आप ध्यान दीजिएगा
T4 is always greater than T2, ठीक है ना। अब अगर हीट का एक्सचेंज होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, हीट का एक्सचेंज होगा टरबाइन की जो एग्जिट एयर है वहां से कंप्रेसर की जो एग्जिट एयर है उस ओर, ठीक है ना। तो अगर एक्सचेंज होना है हीट का तो जो मैक्सिमम पॉसिबल जो टरबाइन कंप्रेसर के एग्जिट का जो टेम्परेचर बढ़ सकता है वो T4 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिट ही इनके बीच में, एक्सचेंज इनके बीच में हो रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना बढ़ सकता है, ठीक है, T4 माइनस T2, तो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल। और एक्चुअली मान लीजिए कुछ पॉइंट ए तक बढ़ा, दैट इज मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए कोई पॉइंट ए है वहां तक बढ़ा, तो इस तो इसका जो राइज इन टेम्परेचर है टी ए माइनस टी टू, इन दोनों का जो रेशियो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और अगर पॉइंट ए और पॉइंट फोर का टेम्परेचर सेम हो गया, ठीक है ना, यानी कि एक्चुअल जो राइज इन द टेम्परेचर है वो मैक्सिमम राइज इन द टेम्परेचर के अगर बराबर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड आइडल रेजनरेशन सिस्टम, ठीक है, उसे हम कहेंगे आइडल। तो अगर ए पॉइंट का टेम्परेचर फोर पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं उसे आइडल रीजनरेशन। तो आइडल रीजनरेशन की एफिशिएंसी कितनी, इफेक्टिवनेस कितनी होगी, अगर यहाँ पे टी ए टी फोर के बराबर हो जाता है, दैट इज यहाँ पे अगर हम टी ए टी फोर, तो यहाँ पर आप देखिए आइडल रीजनरेशन सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस होती है वो 1 होगी, ठीक है, दैट इज 100% इफेक्टिव। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम कुछ रीजनरेशन से रिलेटेड डेरिवेशंस करने वाले हैं, रीजनरेशन से रिलेटेड हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेशन सिस्टम अपन देखेंगे, इसका फटाफट अपन टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, टीएस डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं ना फटाफट। 1 to 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 8 हीट एक्सचेंज, 8 to 3 हीट सप्लाई, 3 to 4 आपका हीट आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 to b दिस 4 to b इज द हीट एक्सचेंज, and B2 is the heat rejection in the condenser. तो 2 to 8 और 4 to b के बीच में heat exchange हो रहा है। Ideal regeneration system अगर आप मानोगे तो आपको यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि TA is equal to T4 और TB is equal to T2, ठीक है, ये ideal regeneration। तो यहाँ पे जो efficiency हम calculate करने वाले हैं वो मान के चल रहे हैं कि that is the ideal regeneration। तो हम जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे वो हम मान के चल रहे हैं कि आइडल रीजनरेशन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अभी जो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाले हैं वो आइडल रीजनरेशन के लिए, ठीक है ना। अगर एक्चुअल सिस्टम आ जाएगा तो फिर आपको इफेक्टिवनेस कंसिडर करनी पड़ेगी, उसकी इफेक्टिवनेस मैं पहले ही बता चुका हूँ, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस, ठीक है, क्लियर है ना। तो व्हाट इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज 1 - QR / QS, मतलब हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई, यही तो होता है एफिशिएंसी, और क्या होता है, ठीक है ना। हीट रिजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, B to 1, और हीट सप्लाई A to 3, यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है यहाँ पर A to 3 पे, और B to 1 पे आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और बेसिकली 4 to b और 2 to a आपका क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन नहीं हो रहा, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एफिशिएंसी को लिखूंगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - बोलो भाई रिजेक्शन, B to 1 मींस TB - T1, सप्लाई 3 to a मींस T3 - T1। अब यहाँ पे मैं B को T2 लिख सकता हूँ फॉर द आइडियल जनरेशन, TB = T2, और TA को मैं T4 लिख सकता हूँ फॉर द आइडियल रीजनरेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 -
1 माइनस वन माइनस यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ दैट इज वन माइनस टी बी माइनस टी वन है ना, टी बी माइनस टी वन ठीक है, टी बी को मैं क्या लिख रहा हूँ टी टू, टी टू माइनस टी वन और टी थ्री, टी ए को मैं क्या लिखूंगा टी फोर. So that is the efficiency of idle regeneration system. इस expression को ध्यान रखिए, आगे करके इसे हम derive करने वाले हैं. मैं इस यहीं पे कर देता हूँ, मैं इस पूरे system को यहाँ पे erase कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहीं पे derivation करता हूँ. It is better कि यहीं पे derive हो जाए. यहाँ पे इसका system का requirement नहीं है, मैं इसको erase कर देता हूँ. ठीक है, better रहेगा कि आपका यहीं पे हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी वन माइनस टी टू माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी फोर, दिस इज द आइडल रिजनरेशन. ये आइडल रिजनरेशन के लिए वैलिड है. ठीक है, अब यहाँ पर आप टी वन कॉमन ले लीजिए, वन माइनस टी वन और यहाँ से टी थ्री कॉमन ले लीजिए, that is T2 by T1 minus 1 and 1 minus T4 by T3. उसके बाद एक स्टेप और करना है, यहां से आप T2 by T1 को भी कॉमन ले लीजिए, 1 एफिशिएंसी 1 माइनस, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, efficiency 1 minus T1 by T3, T2 by T1, 1 minus T1 by T2, okay, and this is same as it is, 1 minus T4 by T3. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए T1 by T2, T1 by T2 and T4 by T3 are the same. Why same? Because these belong to the same pressure ratio. अगर आप T1 by T2 करेंगे तो वो भी आएगा आपका P1 by P2 gamma minus 1 upon gamma. अगर आप T4 by T3 करेंगे तो वो भी आएगा P1 by P2 upon gamma minus 1 upon gamma. तो ये same है, ये पूरा term cancel हो जाएगा. जो efficiency आई आपकी Brayton cycle में 1 minus T1 by T3 T2 by T1. ठीक है, इसी इफिशियंसी को मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, काफी कचड़ा हो गया. ठीक है, इफिशियंसी जो आया आपका, इफिशियंसी 1 माइनस T1 by T3 एंड T2 by T1. T2 by T1 क्या है? T2 is the exit of the compressor, T1 is the inlet of the compressor. Corresponding pressure P2 P1 होगा तो है ना, तो इसको अगर ऐसे लिखें 1 माइनस T1 by T3 P2 by P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा. इसी P2 by P1 को तो प्रेशर रेशियो बोलते थे, 1 माइनस T1 by T3 RP गामा माइनस 1 अपॉन गामा. That is the efficiency of the idle regeneration system. इसे कहते हैं efficiency of the idle regeneration system. अब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि normal जो आपका Brayton cycle की efficiency होती थी, वो जब आप pressure ratio बढ़ाते थे तो बढ़ती थी. Efficiency of normal Brayton cycle आपने पढ़ा था 1 minus 1 upon RP गामा माइनस वन अपॉन गामा. तो इस आरपी की वैल्यू जब आप बढ़ाते टोटल वैल्यू बढ़ती थी, इफिशियंसी बढ़ती थी. लेकिन आइडल रिजनरेशन सिस्टम में अगर आप प्रेशर रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, तो इफिशियंसी घटेगी. ठीक है, जैसे जैसे आप आरपी की वैल्यू बढ़ाओगे इफिशियंसी रिड्यूस होगी. ठीक है,
तो आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आइडल रीजनरेशन सिस्टम में और ब्रेटन साइकिल में यही डिफरेंस है। अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो बेसिक ब्रेटन साइकिल में, दैट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द ब्रेटन सिस्टम, बट इन आइडल रीजनरेशन सिस्टम इफ यू इंक्रीज द प्रेशर रेशियो दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है ना, ऐसा होता क्यों है? वैसे अगर आप कंप्रेसर रेशियो बढ़ा रहे हो एग्जिट में, तो होगा क्या कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा कंप्रेसर का। ठीक है, अगर कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो उसमें हीट एक्सचेंज का स्कोप नहीं रहेगा ना, तो अगर हीट एक्सचेंज का स्कोप नहीं रहेगा तो रीजनरेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। रीजनरेशन में बेसिकली हम करते क्या है, हीट का एक्सचेंज। तो हम ये चाहेंगे कि कंप्रेसर से जो एग्जिट हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम रहे। ठीक है, तब तो हम हीट एक्सचेंज करा पाएंगे और रीजनरेशन का कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अगर प्रेशर रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंप्रेसर में तो उसका टेम्परेचर अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर हो सकता है इतना कंप्रेसर रेशियो आप बढ़ा दो कि टर्बाइन के एग्जिट टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाए, तो फिर कैसे हीट एक्सचेंज हो पाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहाँ पे कंप्रेसर का एग्जिट का टेम्परेचर कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव रीजनरेशन होगा, इसीलिए हम प्रेशर रेशियो कम रखते हैं इन द रीजनरेशन सिस्टम। ठीक है, तो रीजनरेशन में बात ध्यान रखना है, यही बेसिक डिफरेंस होता है कि ब्रेटन सिस्टम में, बेसिक ब्रेटन में प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन आइडल रीजनरेशन में अगर आप प्रेशर रेशियो बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी घटती है। ये फार्मूला आप बिल्कुल डायरेक्टली ध्यान रखना, ये डायरेक्टली यूज होता है आइडल रीजनरेशन में। गेट में क्वेश्चन आया है 1 - T1/T3 RP γ-1/γ। T1 क्या है आपका लोएस्ट टेम्परेचर, T3 क्या है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, आरपी आपका प्रेशर रेशियो है एज यू नो। ठीक है ना, तो ये थी बातें, अब हम नेक्स्ट में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। ओके, एक लेक्चर और बचा हुआ है, उसके बाद आपका हम फिनिश करेंगे ये ब्रेटन साइकिल। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।